चलो आज का टॉपिक है एनिमल ड्राइंग एलिफेंट। एलिफेंट का स्पेलिंग क्या है? ELEPHANT एलिफेंट। अब हम एलिफेंट की ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी रफ ड्राइंग बनाएंगे। रफ ड्राइंग के बाद उसके ऊपर फेयर करेंगे जिससे कि अपना एलिफेंट परफेक्ट आए। रफ ड्राइंग में बॉडी के लिए पहले हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, उसकी बॉडी के लिए ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। वैसे ही हम उसके मुंह के लिए, फेस के लिए ये एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब हम क्या करें, उसका बॉडी का लेवल बना रहे इसलिए दोनों तरफ ऊपर और नीचे की तरफ एक लाइन खींच के रखेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ से और यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ना बढ़े। अब उसकी सूंड मतलब ट्रंक के लिए क्या करेंगे, एक दो लाइन यहाँ पे हम खींच के रखेंगे। ये हो गया। उसकी हथी के अंदर छोटी सी पूछ होती है, क्या तो ये उसकी छोटी सी पूछ के लिए, ठीक है। यहाँ ये मुंह का हम हाफ पार्ट करेंगे और यहाँ से उसके बड़े से कान ड्रॉ करेंगे, जो सबसे बड़े होते हैं हाथी के कान, और ये हमने बना दिया हाथी के कान। अब यहाँ से उसके गले का भाग और यहाँ पर उसका बड़ा सा दांत, ठीक है, ये बन गया उसका बड़ा सा दांत। अब यहाँ क्या करेंगे, हम उसके पांव ड्रॉ करेंगे। तो ये आगे के पांव और ये यहाँ से लिया हमने पीछे का पांव, ठीक है। तो ये हमारा रफ ड्रॉइंग में हाथी फिनिश हो रहा है। और ये अपोजिट साइड पे उसके पीछे के दो और पांव, तो ये बन गया हमारा रफ ड्रॉइंग। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम फाइनल बनाएंगे। फाइनल किस तरह करते, देखो ये हमने उसके मुंह से शुरुआत की, ये कर लिया नोजी की तरफ से हल्का सा बाहर निकाल के, ये सूंड की तरफ आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर फिनिश। यहाँ से हम मुंह लेंगे उसका, ये लिया, उसके बाद ये सूंड उसकी कंप्लीट करेंगे, उसको इस तरह शेप देंगे हम, और ये उसका बनकी सूंड। यहाँ से हम उसकी ईयर बड़े से कान ड्रॉ करेंगे, ये बड़ा सा बन गया का, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर, तो हाथी की आई, तो हम यहाँ पर उसकी आई ड्रॉ करेंगे। इस तरह एक सर्कल बनाएंगे और उसमें हाफ सर्कल उसको पूरा फिलअप कर देंगे। आप करना चाहो तो नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसको, उसके पांव घुटनों की तरफ दो लाइन इस तरह और बाकी का हल्का सा बाहर निकालेंगे। वैसे ही ये वाले पांव को भी हम लेंगे और उसके नाक 1 2 3 4 वैसे पीछे की साइड से हम लेंगे, घुटनों की तरफ दो लाइन खींचेंगे, सेम पांव खींचेंगे और टेल के पार्ट से ये नीचे की तरफ उसका पांव फिनिश करेंगे। ये बॉडी है जिसको हम यहाँ से बनाते हुए तीन था टेल की तरफ ले जाएगी, उसकी पूछ की तरफ, पूछ के ये बड़े से हम बांध लो यहाँ पर, ये उसका पेट का पांव और ये बन गया उसके पीछे का पांव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाथी का रफ। अब हाथी अकेला तो घूमेगा नहीं, एलिफेंट, तो हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड में क्या करेंगे, यहाँ पे एक तालाब बना देंगे। चलो तालाब कौन, ठीक है, ये हमने बनाया पॉन्ड। यहाँ पर हम थोड़ी सी लैंड पार्ट मतलब जमीन ड्रॉ करेंगे, यहाँ दो बड़े से पत्थर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हल्की फुल्की इस तरह हम ग्रास ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया उसका बैकग्राउंड। अब दो चार ट्री भी होने चाहिए, हम यहाँ पर ट्री ड्रॉ करेंगे इस तरह, ये लिया और ऐसे किया, तो ये हो गया 1 2। एक और छोटा सा बना देते हैं, चलो ना, ये बन गया दूसरा ट्री, ठीक है। एक यहाँ पर भी बना देते, लेकिन साथ में एक माउंटेन भी ड्रॉ करते, ये हमने माउंटेन किया और ये माउंटेन को आधा छोड़ देते जो ट्री के पीछे छुप गया, तो ये बन गया दूसरा ट्री, ये माउंटेन को रफ कर। अब ये बन गया हमारा एलिफेंट।